नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आप? मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। दशा दुर्दशा में बदल चुकी है। जीतने वाले लोग 35 वर्षों से व्यक्तिगत अपने विकास में लगे हुए हैं। कोटा बांटो कमीशन खाओ की राजनीति हो रही है। चापा कल भी कमीशन पर बांटे जाते हैं, पैसा पर बांटे जाते हैं। आम जनता, जो गरीब जनता है, गांव में रहती है, उनको देखने वाला, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, सभी मोर्चों पर 35 साल से जो जनप्रतिनिधि यहाँ काम किए हैं, किसी ने भी जनता के दुख दर्द को समझने का काम नहीं किया है। मैं जनता के बीच घूम रहा हूँ। जनता अगर अवसर देती है तो उनके सभी मुद्दों पर मैं यहाँ विकास की एक नई रोशनी पैदा करूंगा और कमीशन रहित विकास यहाँ होगा, यह मेरा आम जनता। जैसा आप जानते हैं कि 35 वर्षों से लगातार यहाँ राजनीतिक जड़ता व्याप्त है। आम लोगों के विकास के लिए सिंचाई की कोई सुविधा नहीं हुई है। 3 एकड़ का भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुआ। बिजली की वही हालत है। कांडी और मझियाओं ग्रिड में बी मोड़ से आज तक लाइन नहीं जोड़ा गया, बिजली की समस्या हो गई। स्वास्थ्य उपकेंद्र सभी क्षेत्रों में खुले हुए हैं, ताला वहाँ बंद रहते हैं, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। मौलिक जितनी भी सुविधाएं हैं आम नागरिक को पहुंचना चाहिए, इस ओर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान 35 वर्षों में नहीं रहा है। और मैं इस क्षेत्र का बेटा हूँ, इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मैं गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र